हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी शाम के बज रहे हैं 4 और मैं थोड़ा किचन वगैरह, ऊपर वाला किचन जो था उसको क्लीन किया अभी मैंने, और ये थोड़े बर्तन थे इनको वॉश करके, और दक्षिता को एप्पल खाना था तो अभी मैं एप्पल उसको कट करके दे दूँगी, और मैंने अपने लिए बर्गर मंगाया था, थोड़ी भूख सी लग रही थी इसलिए। तो और मैंने कपड़े वगैरह तो मैंने मॉर्निंग में वॉश कर लिए थे, तो अभी इनको उतार के रख दूंगी पहले, उसके बाद अभी मैं नीचे जाऊंगी चाय बनाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अभी शाम के बज रहे हैं 5:30 और अभी मैं ऊपर से आई हूँ, अभी जा रही थी चाय बनाने। मैंने सोचा पहले ब्लॉग स्टार्ट किया तो पहले थोड़ी बात कर लेते हैं, उसके बाद चाय बनाएंगे। वैसे भी पापा भी जा रहे हैं दूध लेने, दूध लेके आएंगे तभी वो चाय पियेंगे। मम्मी गांव गई हुई हैं और बाकी कोई चाय पीता नहीं है हमारे घर में, बस मैं बस तभी पीती हूँ, अगर बनाती हूँ तब थोड़ा सा पी लेती हूँ, नहीं तो ऐसे नहीं। और कल मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि कल क्या हुआ क्या था ना, मैं पानी पी रही थी, मॉर्निंग की ही बात है, 8-9 बज रहे होंगे, मैं पानी पी रही थी बोतल से ऐसे करके, अचानक से मेरी यहाँ कोई नस चटक गई, उसके वजह से शोल्डर में, ये नेक में पूरा मतलब बहुत ज्यादा कल पेन था, 4-5 घंटे तक बहुत ज्यादा पेन था। मैंने झंडू बाम स्प्रे बहुत कुछ लगाया पर कोई ठीक नहीं हुआ, थोड़ा मसाज भी कराया मैंने, लेकिन मेरी गर्दन ऐसे ऐसे भी नहीं हो रही थी, इतनी ज्यादा मतलब मैं कल पेन में थी मैं बता नहीं सकती। मॉर्निंग में ऐसे गया, सोचा दोपहर से स्टार्ट करूंगी तो, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। फिर शाम को हम लोग चले गए पार्क, तो पार्क से आते आते ही 5 बजे गए थे हम लोग, फिर आते आते 7 से ऊपर ही हो गया था टाइम, तो फिर उस टाइम व्लॉग स्टार्ट करने का फिर कोई मतलब नहीं था, फिर काम में भी लेट होने लग जाता और कुछ भी नहीं मैं करके जा पाई थी, बस चाय बनाया था मैंने और दूध भी आ करके मैंने गर्म किया था, लेट हो गया था इसलिए। वही मैंने सोचा अब इस टाइम से ब्लॉग करने का भी कोई मतलब बनता भी नहीं है, तो इसीलिए कल ब्लॉग कर भी नहीं पाई थी, बस फटाफट से ये था काम करो जल्दी से जो भी था, खाना वाना बनाना। और सच बताऊं तो कल मतलब 2.5 महीने से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, कल जाके मतलब थोड़ा रियलाइज हुआ कि हाँ वाकई में बहुत टफ होता है अगर डेली आप ब्लॉग बनाते हो तो, मतलब फोन सेट करो, कैमरा सेट करो, जिससे भी कोई मतलब अपना वीडियो शूट करता है तो ये रहता है पहले उसको सेट करो, उसके बाद से व्लॉग बनाओ शूट करो, और अगर नहीं रहता है तो काम इतना फटाफट से हो जाता है कि पूछो ही मत। और कल इतना रिलैक्स लगा था ना, मतलब मैंने कल फोन ज्यादा देखा ही नहीं था, बस 1-2 व्लॉग देखे थे मैंने, उसके बाद मैं सो भी गई थी बल्कि दोपहर में थोड़ी देर के लिए, इतना ज्यादा पेन था इस वजह से, बस इसी चक्कर में कल ब्लॉग बना ही नहीं। आज सोचा था मैंने मॉर्निंग से बनाऊंगी और दोपहर में 1-2 बजे तक अपलोड कर दूंगी, बल्कि स्टार्ट भी किया था मैंने लेकिन फिर वो भी रह गया, तो उसके बाद से फिर अभी शाम हो गई है, अब मैंने स्टार्ट किया है, अब इसको कंटिन्यू करूंगी, नहीं तो होता है यार जरा सा आलस कर लो ना तो फिर मन नहीं लगता है। और जब मैं चाय बना रही थी तभी डिसाइड हो गया था कि चिकन बनेगा, वैसे मोस्टली हमारे यहाँ संडे को चिकन ही बनता है, तो मैंने चाय बनाने के साथ ही प्याज और लहसुन वगैरह छील काट लिया था कि चाय पीने के बाद फिर फटाफट से उसमें तड़का लगा देंगे, और वैसे भी आज 2 लोग आए थे खाने पे तो बस उसके लिए भी थोड़ा जल्दी ही खाना बनाना था, और तब तक पापा दूध भी लेते आए थे तो मैंने सोचा पहले दूध रख देती हूँ, एक और गर्म होता रहेगा उसके बाद चाय पीऊंगी, तो दूध रख दिया था मैंने। और चाय पीने के बाद फिर ये जो बर्तन थे साथ मैं वॉश कर लेती हूँ, और उसके बाद से ये मैं चिकन में तड़का लगा दिया था मैंने, अभी 7 बज रहे थे वैसे, पर मैंने फटाफट से कर लिया था कि 8 बजे तक मुझे पूरा खाना प्रिपेयर करना था बस इसलिए, तो अभी एक तरफ ये कर लूँगी और एक तरफ आटा वगैरह भी गूंद लूँगी, तो मतलब ऐसे हो रहता है तो फटाफट से हो जाता है काम। चाय पी करके फिर मैं खाने की तैयारी में लग गई थी क्योंकि कोई आने वाला है खाने पे इसलिए, बस तो मैंने सोचा पहले फटाफट से काम कर लेते हैं और उसके बाद फिर बात करेंगे आराम से बैठ के,
तो अभी बना तो नहीं है, चिकन बना रही हूँ और रोटी बनानी है अभी। तो बर्तन वगैरह वॉश करके चाय पी करके, दूध तो मैंने पहले ही रख दिया था, जब तक चाय पिया मैंने बर्तन वॉश किया तब तक दूध गर्म हो गया था। उसके बाद से चली गई थी ऊपर थोड़ी देर के लिए, मतलब दिया जलाया और यही सब बस। उसके बाद से आकर के मैंने फटाफट से फिर मैंने सोचा पहले चढ़ा देते हैं, 7:30 हो गया, 8 बजे तक खाना तैयार करना है। आटा वगैरह गूंध लिया है, हो गया है, और चिकन में बस मसाला डाल के थोड़ा भून करके फिर पानी वगैरह डाल करके उसको 2 सीटी लगाना है, इसीलिए मैं कुकर में बना रही हूँ कि जल्दी से बन जाएगा कुकर में। और दोनों बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। हेलो करो, वेरी गुड। जब मैं होम्योपैथिक दवाई वगैरह ले रही थी तब भी तबीयत बहुत ज्यादा अजीब सी हो गई थी, मुझे सूट नहीं कर रहा था, लेकिन तब भी मैंने व्लॉग बनाया था, लेकिन कल मैं नहीं कर पाई थी, हो जाता है कभी कभी। आई होप आप लोग भी समझोगे, होता है, हर किसी के साथ होता है कभी कभी। और ये चिकन भून गया था तो मैंने इसमें मसाले डाल करके थोड़ी देर और भून लिया था। कोई बहुत ज़्यादा मुझे इतना वो नहीं है बनाने का, लेकिन बस नॉर्मल जैसा हर घर में बनता है वैसा ही मैं भी सिंपल सा बनाती हूँ खाना, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं रहता है। तो बस यही है, चिकन हो गया था, 2 सीटी लगा दिया था मैंने, और साथ साथ रोटियाँ भी बना ली थी मैंने। पर सारा काम फिनिश करके अपना खाना वाना सबने खा लिया है। टाइम क्या हो रहा है, 1 मिनट, 9:50 हो गया, आज थोड़ा सा लेट हो गया है। मैंने बताया था ना कि 1-2 गेस्ट आने वाले हैं खाने पे, तो इसलिए। और 9:30 बज गया था आज। वैसे काम करके मैं जब खाना खा रही थी उस टाइम मूवी आ रही थी, मैं देख रही थी, तब मैंने देखा 9:30 हो रहे हैं और राउडी राठौर आ रही थी, तो थोड़ी देर मैं बैठ के देखने भी लग गई थी वैसे खाना खाने के बाद भी। और अभी अभी आई हूँ ऊपर 5 मिनट पहले, दक्षिता को मैंने चेंज करा दिया है, मैं नहाने जा रही थी, फिर मैंने सोचा पहले वीडियो एंड कर लेते हैं क्योंकि फैन बंद करके ही मतलब बात करना रहता है, तो गर्मी तो खैर बहुत ज़्यादा होती ही है, इसीलिए मैंने सोचा पहले वीडियो एंड कर लेते हैं, उसके बाद आराम से नहाएंगे और उसके बाद ही सोएंगे। तो कुछ ऐसा था, और वाकई में मतलब एक दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया, बहुत खालीपन सा मुझे लगा, पता नहीं क्यों कल, और आज मैंने पोस्ट भी नहीं किया कोई भी वीडियो। तो 1-2 लोगों का फ़ोन भी आया था मेरे पास, मतलब मेरे रिलेटिव्स का ही, कि आज का व्लॉग क्यों नहीं आया है ऐसे करके। तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे बात हो गई थी, मेरे इधर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो इसीलिए मैं शूट ही नहीं कर पाई कुछ भी। और होता है यार, किसी भी चीज़ की आदत लग जाती है ना, और फिर उसको एक दिन के लिए छोड़ दो तो बहुत अजीब सा लगता है। तो आज मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है क्योंकि आज मैं कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई हूँ, एक तरह से आदत बन गई है। 2.5 महीने से कोई भी काम लगातार करते रहो और एक दिन वो बीच में गैप हो जाए तो फिर अजीब तो लगता ही है। और कल तो जैसे बस यही लग रहा था, मुझे कोई काम ही नहीं है मेरे पास, बस मैं खाली बैठी रहूं, मतलब ऐसे ही था, बार बार दिमाग में आ रहा था कि अब से शुरू कर लेती हूँ व्लॉग, अब से कर लेती हूँ, पर फिर नहीं हो पाया, तो बस ऐसे ही था। और होता मेरे साथ ऐसा ही हुआ। तो चलिए खैर, इसी के साथ इस व्लॉग को इधर ही एंड करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और मैं मिलती हूँ फिर से कल आपसे एक नया व्लॉग में। अगर ये वाला व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।